काफी टाइम तो ना मैनू बहुत सारे कमेंट्स आ रहे ने कि तंदूरी सोया चाप की रेसिपी शेयर करो, ते लो जी फिर आज आप बना ही लैने हां वधिया जी तंदूरी सोया चाप। सत श्री अकाल जी, पंजाबी वेज मसाला विच तुहाडा स्वागत है। तंदूरी सोया चाप बनाने वास्ते आपां इत्थे लवांगे इस तरह दियां सोया स्टिक्स। सोया स्टिक्स बहुत ही आसानी नाल मार्केट चो मिल जांदियां ने ते या फिर ऑनलाइन भी मिल जांदियां ने, ते सोया स्टिक्स घर भी बन जांदियां ने, पर मैं हमेशा रेडीमेड ही मार्केट तो या ऑनलाइन ही मंगानी हां वधिया क्वालिटी दियां। यह कई तरह दियां हुंदियां ने पर तुसीं ओह लैणियां ने जिन्हां विच सोया दी क्वांटिटी ज़्यादा होवे। सोया स्टिक्स पैकेट च भी आंदियां ने, ओह सुक्कियां हुंदियां ने, ते टिन दे डब्बे च भी आंदियां ने, ओह पानी विच हुंदियां ने, थोड़ियां जिहियां सॉफ्ट हुंदियां ने, गिलियां जिहियां हुंदियां ने, ते मैं इत्थे टिन वालियां लईयां ने क्योंकि इहनां दी क्वालिटी बहुत ही वधिया हुंदी है। ते डब्बे दे विच ना 8 या 9 सोया स्टिक्स हुंदियां ने जिन्हां नूं कट के मैं इहनां दीयां स्टिक्स कढ के वखरियां कर दित्तियां ने, ते हुण आपां इहनां नूं फ्राई कर लवांगे। फ्राई करन वास्ते मैं इत्थे तेल गरम कर लिया होया है, ते इस गरम तेल दे विच इक इक करके पाई जावांगे। जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया कि इन्हां नूं बिना कट्टे हुए साबत भी फ्राई कर सकते हाँ, ते फिर फ्राई करन तो बाद भी कट सकते हाँ। ते कड़ाई दे तेल दे हिसाब नाल जिन्नियां एक बार च आ जाण उन्नियां एक बार च फ्राई कर लो, ते बाकी जिहड़ियां बच जाण उन्हां नूं दो जां तीन बार अपने हिसाब नाल फ्राई कर लवो। हुण आपां इन्हां नूं ना गैस दी मीडियम फ्लेम ते लाइट ब्राउन होण तक फ्राई करना है, ते थोड़ी थोड़ी देर च ना इन्हां दी साइड चेंज कर देवांगे, और उलटदे पुलटदे होए जदों इन्हां उत्ते इस तरह का वधिया जिहा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना, उदों ऑयल चो कढ के प्लेट 'च रख लवांगे। अज मैं तंदूरी सोया चाप ना इन्हां नूं फ्राई करके बना रही हाँ। वैसे फ्राई किए बिना भी इन्हां नूं बॉयल करके भी बना सकते हाँ, पर जो स्वाद और टैक्सचर फ्राई करके बनता है ना, वह बॉयल करके नहीं बनता। तो इस तरह ही बाकी दियां कटियां होईयां सोया स्टिक्स जड़ियां ने ना उन्हां नूं भी आपां फ्राई कर लवांगे, और फिर लाइट गोल्डन जिहा ब्राउन कलर आ जाए ना उदों आपां इन्हां नूं ऑयल चो कढ लवांगे। ते हुण इत्थे ना मैं सारियां सोया स्टिक्स नूं फ्राई करके तैयार कर लिया है। हुण आपां इन्हां नूं ठंडा कर लवांगे, ते ठंडा करन तो बाद ना हुण फिर तो इन्हां नूं कट के हर एक स्टिक्स दे तीन तीन पीसेस कर लवांगे। ते आपां ना इन्हां नूं विच्चों दी कट्टे बिना गोल पीस भी कट सकदे सी, पर मैं पहलां पूरी स्टिक नूं लंबाई विच कट के दो हिस्से करके फ्राई करके फिर उन्हां दे तीन तीन पीसेस कर रही हाँ। इस तरह करन नाल की होएगा, तंदूरी सोया चाप दा स्वाद ज़्यादा वधिया आएगा क्योंकि आपां इहदे विच जिहड़े भी लून मिर्च मसाले पाने ने ना उह अंदर तक रसणगे, मसालियां दा और दही दा स्वाद ना अंदर तक जाएगा, और तंदूरी सोया चाप बिल्कुल भी फिक्की या सुक्की जी नहीं लगेगी, बल्कि हरेक चाप ना रसीली और मसालेदार लगेगी। ते हुण आपां इत्थे एक वड्डे साइज़ दा मिक्सिंग बाउल लै के उहदे विच पावांगे अद्धा कप ताज़ा ते गाढ़ा दही। ताज़े ना मेरा मतलब है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिदा। ते फिर दही दे विच पावांगे दो वड्डे चम्मच भर के अदरक लसन ते हरी मिर्च दा पेस्ट। इत्थे मैं 7-8 तुरियां लसन दियां, 1.5 इंच अदरक ते 3 हरियां मिर्चां दा फाइन पेस्ट बनाया है। ते हुण नाल ही पावांगे एक छोटा चम्मच रोस्ट कीती हुई कसूरी मेथी ते एक छोटा चम्मच पुदीने दा पाउडर। जेकर पीसिया होया पुदीना ना होवे ना ते बरीक बरीक कटियां हुईयां पुदीने दियां पत्तियां भी पा सकदे हो। ते हुण पावांगे चम्मच दा चौथा हिस्सा हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लूण, चम्मच दा चौथा हिस्सा काला लूण, चम्मच दा चौथा हिस्सा लाल मिर्चां, ते चम्मच दा चौथा हिस्सा ही कालियां मिर्चां, ते 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, ते 1/2 चम्मच भुनिया ते पीसिया होया जीरा, ते एक 1 चम्मच भर के देगी मिर्चां दा भी पा देवांगे। इहदे नाल कलर वधिया आएगा क्योंकि मैं इहदे विच कलर दी वरतों नहीं कर रही हाँ। ते नाल ही इहदे विच पावांगे 2 चम्मच भर के फ्रैश क्रीम या फिर दुध दी ताज़ी मलाई भी पा सकते हाँ, ते नाल ही जाएगा 2 चम्मच भर के पिघलिया होया बटर। तंदूरी सोया चाप है ना जिहड़ी, ए डाइट फूड तो है ही नहीं क्योंकि ये क्रीम मक्खन और मसाले काफ़ी क्वांटिटी में पैंदे ने, ता ही यह स्वाद बनती है। जेकर क्रीम मक्खन वगैरह नहीं पावांगे ना तो सुक्की सुक्की जी बनेगी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं लगेगी। एदा जड़ा क्रीमी जो टैक्सचर है ना उ खाने से वधिया लगता है। तो लो जी सारिया चीज़ों मैं चंगी तरह मिक्स कर दिता है, तो हूँ ये फ्राई कीतियां हुई कटिया हुई सोया स्टिक्स पा देवे, तो फिर 1 मिनट तक ना इन्हों चंगी तरह मिक्स करते रहना है। इन्हों इन्नी चंगी तरह मिक्स करना है कि यह जो दही और मसाले वाला पेस्ट बनाया है ना, यह सारे सोया स्टिक्स ने ना जो पीस कट्टे हुए इन्हों के उत्ते चंगी तरह लग जाए, पेस्ट नाल चंगी तरह कोट हो जाए। तो चंगी तरह मिक्स करन तो बाद ना हुण इन्हों 1 घंटे वास्ते इस तरह ही ढक के रख देवे, इनू कहिंदे ने मैरीनेट करना। तो हुण चाप नाल खाण वास्ते वधिया जी चटनी भी बना के रख लैने। एक ग्राइंडर जार च पावांगे 1/2 कप पुदीने दीयां पत्तियां, ते 1/2 कप ही पावांगे धनिया। धनिए दीयां नरम नरम डंडियां मैं नाल ही रहन दित्तियां ने, ते नाल ही पावांगे 4 तुरियां लसन दियां, कटिया होया 1 इंच अदरक, 2 हरियां मिर्चां, ते चम्मच दा चौथा हिस्सा अनारदाना। मैं अनारदाना पाउडर पाया, तुसीं साबुत अनारदाना भी पा सकते हो, नाल ही पीसिया जाएगा। ते इहदी जगह आमचूर या नींबू दा रस भी पा सकते हो। चम्मच दा चौथा हिस्सा मैं इत्थे भुनिया ते पीसिया होया जीरा भी पा दिता है,
ते चम्मच दा चौथा हिस्सा ही पावांगे लून ते चौथा कु चम्मच ही काला लून। ते हुण इहदे विच दो आइस क्यूब्स पा के ते नाल ही दो वड्डे चम्मच भर के ना ताज़ा दही भी पा देवांगे। ताजे नाल मेरा मतलब है कि जिवें मैं तुहानू दस्सिया कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। हुण इह सारियां चीज़ां नू ना ग्राइंड कर लवांगे ते इह तैयार हो गई है जी चाप नाल खाण वाली वधिया जी चटपटी चटनी। इहनू हुण आपां फ्रिज विच रख देवांगे ते चाप नाल खाई जाण वाली जिहड़ी चटनी हुंदी है ना उह बहुती गाढ़ी नहीं हुंदी। ते इत्थे वेखो जी एक घंटे दे विच ना इह जिहड़ा आपां कट्टे होए सोया दे टुकड़े पाए सी ना इह चंगी तरह मैरीनेट हो चुके ने। ते हुण इत्थे मैं लईआं ने इस तरह दीआं स्टील दीआं दो सीखां। तुहाडे कोल घर विच जिस तरह दीआं वी सलाईआं जां सीखां उहनों लै सकदे हो, लकड़ी दीआं स्टील दीआं भावें लोहे दीआं। ते हुण ना इस तरह दा कट्टिया होया प्याज दा टुकड़ा लै के किसे वी साइड तों सीख दे विच पा देवांगे ते नाल ही पा देवांगे इस तरह दा कट्टिया होया एक टुकड़ा शिमला मिर्च दा। प्याज जां शिमला मिर्च तों बाद हुण मैरीनेट किते होए सोया दे टुकड़िआं नूं वी इक इक करके सीख दे विच पाई जावांगे। इहनां नूं ना किसे वी साइड तों सीख दे विच पा सकदे हो। थोड़ी थोड़ी जी जगह रखदे होए इहनां नूं सैट कर लवांगे। प्याज और शिमला मिर्च की वरतों करनी चाहते हो तो कर लवो, नहीं तो प्याज शिमला मिर्च तो बिना भी बना सकते हो, पर मैं अपने घर में हमेशा इस तरीके ही बनानी हाँ और उस तरीके ही मैं तुम्हें बनाना दस रही हाँ। प्याज और शिमला मिर्च का स्वाद ना चाप के बहुत ही वधिया आता है। तो बस सारी सीख जो भर जाए ना तो उदो आखिर फिर तो प्याज और शिमला मिर्च के टुकड़े लगा देवे। तो लो जी साड़ी एक सीख तो तैयार हो गई है। तो हूँ आप सेकांगे। तो जेकर तंदूर ना होवे तां बिना तंदूर तो तंदूरी टेस्ट देने वास्ते आपां भरी हुई सीख नूं सीधा गैस दे बर्नर दी फ्लेम ते रख के सेक लवांगे। इस तरह सेकण नाल काफ़ी हद तक तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। पर सेकण तो पहला ना गैस ते फॉइल पेपर लगा लवो, जेकर थोड़ा मसाला गिरेगा भी ना तो गैस साफ रहेगा। सीख नूं थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए सारे पासों डार्क ब्राउन या ब्लैक जे निशान आन तक सेकना है, जिवें आपां बिना तंदूर तो तंदूरी रोटी या तंदूरी पराठा बनाने ना, बस उस तरह ही। तंदूर दे विच तां सारे पासों चंगा सेक लगता है ते चाप कच्ची नहीं रहिंदी, पर गैस दी फ्लेम दा वखरा हिसाब है। इस करके ही मैं पहला सोया स्टिक्स नूं फ्राई किया है ताकि खाण लग्या सोया चाप चों कच्चा जिहा स्वाद ना आवे। फ्राई करन नाल की है कि सोया चाप अंदर तक पक जाएगी और फ्राई करके इस तरह सेकन नाल तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। तो ऐसे तरीके नाल ही ना सारे पीस सेक के तैयार कर लवांगे। जदों सोया दे सारे पीस सेक के तैयार हो जाण ना उस तो बाद आपां कोई भी एक तड़का पैनी या कढ़ाई लैके उहदे च दो वड्डे चम्मच बटर पा के गर्म कर लवांगे। जदों बटर गर्म हो जाएगा ना उदों आपां इहदे च पावांगे इस तरह का पतला पतला कटिया होया प्याज का लच्छा। इत्थे मैं एक प्याज लैके उहनूं आडे साइड तो पतला पतला कट लिया है। नाल ही पा देवांगे बरीक कटी हुई एक हरी मिर्च। तो प्याज नूं ना गैस की फुल फ्लेम से 15 to 20 seconds तक ही भुनना है बस। उस तो बाद ना फ्लेम नू कर देवांगे सिम ते ए तैयार सोया चाप नू सीख चो कढ़ के प्याजां दे नाल पा देवांगे। जिन्नी आ सोया चाप बनाई है ना उह सारी 3 सीखां च पूरी आई है। जेकर तुहाडे कोल एक सलाईयां सीख होवे ना ते वारी वारी लगा के सेक लवो ते एक सीख दीआं सोया चाप सिक जाण तां उहनां नू कढ़ के किसे भांडे च रख लवो ते फिर होर ला लवो। गैस दी फुल फ्लेम ते प्याजां च मिक्स करके ना आपां इहनां नू फिर तो भुन्नांगे सिर्फ 1 मिंट तक। होर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, पर असली स्मोकी फ्लेवर तां तंदूर च ही आउंदा है। तो 1 मिनट तक भुनन तो बाद ना इहदे च पावांगे 2 वड्डे चम्मच फ्रैश क्रीम या फिर ताजी मलाई भी पा सकते हो। तो नाल ही थोड़ा जिहा कट्टिया होया हरा धनिया भी पा देवांगे और उपरों दी अद्धा नींबू भी निचोड़ देवांगे। सारियां चीज़ां नूं चंगी तरह मिक्स करके 1.5 मिनट तक आपां होर भुन लवांगे ताकि क्रीम और नींबू का रस जिहड़ा ना चाप दे विच रस जावे। तो हुण गैस की फ्लेम नूं कर देवांगे बंद ते इह साडी घर विच बिल्कुल तंदूर वर्गी तंदूरी सोया चाप बन के तैयार है। तुसी इहनू जरूर ट्राई करियो ते ट्राई करके मैनू कमेंट भी जरूर करियो। गरम गरम मज़ेदार स्वाद वाली मसालेदार तंदूरी सोया चाप नू तैयार की हुई हरी चटनी नाल सर्व करो।